सारी होम रेमेडीज मैंने अपने बालों पर अप्लाई की। मैंने अच्छे से अच्छा ऑयल अपने बालों पर अप्लाई किया। सब यूट्यूबर्स की बात मानकर मैंने अच्छे से अच्छा पैक अपने बालों पर लगाया, उनकी केयर करी। लेकिन फिर भी मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, फिर भी मेरे बालों का डैंड्रफ नहीं खत्म हो रहा है। तो आखिर में क्या रीज़न है? क्या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? क्या आप लोग भी एक गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके बालों का जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है? तो आप अगर वो गलती कर रहे हैं जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो कुछ भी हो जाए, आप कितने हेयर पैक अपने बालों पर लगा लीजिए, कितनी ही ऑयलिंग कर लीजिए और कितना ही अच्छा अच्छा फूड क्यों ना खाएं आप, लेकिन आपको जो हेयर की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल आराध्या ऑल टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो सबके लिए हो सकती है। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में आप वो गलती क्या कर रहे हैं। तो आप अच्छे से अच्छा हेयर पैक अपने बालों पर लगाते हैं, अच्छे से ऑयलिंग भी करते हैं, लेकिन आप जब अपना हेयर वॉश करते हैं, जो कि आप वहीं पे करने वाले हैं वो मेन गलती, अगर आप हेयर वॉश करते वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आपको हेयर डैंड्रफ, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब वो बताती हूँ मैं कैसे, क्योंकि जब गर्म पानी आपके स्कैल्प पर गिरता है तो आपके जो स्किन है, हेयर स्किन है, वो ड्राई होने लगती है और ड्राई होने के साथ साथ उसमें जो डैंड्रफ है वो निकलने लगता है और साथ ही बाल भी झड़ने लगते हैं। अब बाल कितने ज़्यादा नाजुक होते हैं और आप उन पर काफ़ी ज़्यादा तेज पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बाल तो ज़रूर ही ज़रूर झड़ेंगे। तो इसलिए आप किसी भी रेमेडी का यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप हेयर वॉश करते वक्त ये गलती कर रहे हैं, आप बहुत तेज़ गर्म पानी से अपना हेयर वॉश कर रहे हैं, तो आपका 110% हेयर फॉल होगा और डैंड्रफ तो कभी भी नहीं जाएगा और काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी मात्रा में वो बढ़ने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये गलती तो आप कर ही रहे हैं। देन मैं आपको एक गलती और बताती हूँ जो आप करते ही करते होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बालों पर कोई भी पैक लगा रहे हैं, आपने कोई भी अपने बालों पर पैक लगाया है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आपको तुरंत उसको हेयर वॉश करते वक्त आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है। अगर आप शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको उस हेयर पैक का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका जो हेयर फॉल है वो तो होगा ही, डैंड्रफ भी होगा और जो भी आपने हेयर पैक लगाया था उसका तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि आपको तेज पानी से नहीं अपना हेयर वॉश करना है गर्म पानी से, और ना ही आपको कोई भी हेयर रेमेडी के बाद आपको शैम्पू का यूज़ करना है। इन दो चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको इतनी जल्दी फ़ायदा मिलेगा, आपके बालों की जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने लगेगी। ये सब करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, और अब तो वैसे भी समर आ रहा है तो इसमें आपको गर्म पानी से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 12 महीने वो सिर्फ गर्म पानी से ही नहाते हैं, तेज गर्म पानी से ही अपना हेयर वॉश करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बात है बालों के लिए। अगर आप हेयर प्रेमी हैं, अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उनको हमेशा सुंदर, लंबा और घना देखना चाहते हैं, तो मेरी ये दो चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बातों के लिए मैं फिर से आप लोगों के साथ में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।